हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मेरे चैनल पे आती है कमेंट चर्चा की वीडियो, जिसमें मैं आपके भेजे गए जो कमेंट्स होते हैं उसमें जो आप मुझसे सवाल पूछते हो उसका रिप्लाई करती हूं। तो अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, और पहली बार यहाँ पे मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख पाओ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मैम मेरा सवाल है कि आपने गर्ल के प्राइवेट हेयर के बारे में बहुत वीडियो बनाई हैं, आप बॉयज़ के प्राइवेट हेयर, बैक हेयर कैसे क्लीन करने और कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा उस पर वीडियो बनाइए। देखिए, जितने भी हेयर रिमूवल मेथड्स होते हैं वो गर्ल और बॉय दोनों के लिए ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्ल का हेयर रिमूवल कुछ और ऑप्शन होते हैं, बॉयज़ के कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के लिए ही सेम मेथड वर्क करते हैं। तो जितने भी मेथड मैं अब तक बता चुकी हूँ, चाहे वो रेज़र के ऊपर मेरी वीडियो हो या हेयर रिमूवल क्रीम के ऊपर, इंटीमेट क्रीम के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, और एक मेरी वीडियो ऐसी है जिसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग मेथड एक ही वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो आप मेरी कोई भी वीडियो आप देखोगे अगर, तो वो गर्ल एंड बॉय दोनों के ही काम की हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक तरीके के बारे में जानना है कि मतलब इसके बारे में और डिटेल में बताओ, तो आप मुझसे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर पहले से वीडियो होगी तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, और अगर नहीं होगी पहले से मेरी वीडियो उस चीज़ के ऊपर तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट कॉमेंट पर आते हैं, मैम हस्बैंड बाहर रहते हैं तो क्या वाइफ मैस्टरबेट करती है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ, कर भी सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि गर्ल्स मैस्टरबेट नहीं कर सकती हैं। अगर उनके अंदर अर्जेस आ रही हैं, पार्टनर उनके साथ नहीं है, तो वो मैस्टरबेट कर सकती हैं, इट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर न्यू हाउस, थैंक यू सो मच। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका जिम के रिलेटेड, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो आप किसी जिम ट्रेनर वगैरह से इसके बारे में जानकारी लीजिएगा या फिर जो डाइटिशियन होते हैं उनसे। पहला जो आपने बोला है कोलकाता के बारे में, सिस्टम ठीक नहीं है, लोग इग्नोर करते हैं, पॉर्न एडिक्शन है, क्या है, क्यों हो रहा है। देखिए, मैं जब ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना तो मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती हूँ, सच्ची में। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या बोलूँ। सिस्टम ठीक नहीं है, वो सब तो है ही है, लेकिन एक इंसान का ज़मीर इतना मतलब कैसे उसको अलाउ कर देता है इतना किसी के साथ, किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ इतना टॉर्चर वो कर रहे हैं। फिर आपने उस हद तक किसी को टॉर्चर किया कि उसकी जान ही चली गई, एंड रेप एंड ऑल, आई डोंट नो, पता नहीं क्या मज़ा आता है। आई थिंक ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि आप किसी दूसरे को टॉर्चर करके अपना आपको मज़ा आ रहा है, तो आई थिंक ये साइकोलॉजिकल है, एक इंसान की प्रवृत्ति है, मानसिक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो इतना कुछ कर गुजरता है। इसमें चाहे पॉर्न को आप दोष दे लो, चाहे सोसाइटी को दे लो, उसकी परवरिश को दे लो, किसी को भी दे लो, ये सब कुछ कोई मैटर नहीं करता। कुछ टाइम पहले तक तो इवन लड़कियों को ही दोष दिया जाता था कि तुमने कोई इशारे करे होंगे, तुम बहुत ओपन हो, बाहर गलत टाइम पे गई होंगी, गलत कपड़े पहने होंगे, तो ये सब सिर्फ बहाने हैं। अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो सिर्फ और सिर्फ वो क्राइम करने वाला ही उसके लिए ज़िम्मेदार है। आप उसको एस्केप रूट नहीं दे सकते किसी और चीज़ को उसका ज़िम्मेदार ठहरा के। पॉर्न बहुत दुनिया भर के लोग देखते हैं, और इंडिया में स्पेशली तो कोई सेक्सुअल एजुकेशन प्रॉपर है ही नहीं, मोस्टली लोग पॉर्न से ही सेक्स एजुकेशन लेते हैं। तो इतने लोग जब लेते हैं तो एक दो लोग अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसमें पॉर्न कैसे गलत है। तो फिर तो ऐसे तो जितने लोग भी देख रहे हैं वो सबको ऐसा ही क्रिमिनल बन जाना चाहिए, तो नहीं, मुझे नहीं लगता ये इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा क्राइम करने वाले सिर्फ और सिर्फ वो खुद ही अपनी मानसिकता के लिए इसके लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम मैं 22 का हूँ, लड़की 23 की है, शादी हो पाएगी क्या। देखिए, एज में अगर बड़ी लड़की है और आप बाकी सब चीज़ें ओके हो कि एजुकेशन है उसकी, या आप जो भी देख रहे हो एक लड़की के लिए आपने सोचा हो कि मैं इस तरीके की अपने लिए लड़की पसंद करूँगा, अगर वो सारी चीज़ें आपके हिसाब से हैं तो सिर्फ एक साल बड़ी होने की वजह से उसे रिजेक्ट मत कीजिए। फिर आप डेफिनेटली शादी कर सकते हैं, लेकिन एज के साथ साथ फिर और भी चीज़ें आप ऐसी देख रहे हो कि नहीं, ये भी थोड़ा इस चीज़ में भी डाउट है, इस चीज़ में भी डाउट है, तो उस तरीके से, ओवरऑल तरीके से आप देखिए। एक साल अगर बड़ी है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और 23 की एज भी
इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली लड़कियों को छोटी एज का इसलिए कहा जाता है कि लड़की छोटी एज की होनी चाहिए, क्योंकि लड़के की जो फर्टाइल टाइम होता है, मतलब कि वो कब तक बच्चा पैदा कर सकता है, वो आदमियों की एज में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक है वो फर्टाइल रहते हैं, और विमेन की जो एज होती है वो थोड़ी कम होती है उनके कंपैरिजन में। तो इसीलिए बच्चा पैदा करने के लिए ज़्यादा टाइम पीरियड रहे, इसीलिए लड़की को छोटे उम्र का देखा जाता था। तो अभी तो बस वो 23 की हैं, उनके पास आई थिंक काफ़ी सारा टाइम है कि तब आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर पाओ, तो आप डेफिनेटली उनसे शादी के लिए बात कर सकते हो, अगर बाकी चीज़ें आपके हिसाब से सब ठीक हैं तो। हेलो मैम, प्लीज़ बताएं क्या हाउ टू हाइड द पैंटीज लाइन अंडर लेगिंग्स टाइट्स एंड जीन्स, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। पैंटीज आप सीमलेस पैंटी पहनिए, अगर उसके पैंटी लाइन्स आपको दिख रहे हैं तो सीमलेस पैंटीज में पैंटी लाइन्स नहीं दिखते हैं, या फिर बॉय शॉर्ट्स पैंटी होती हैं, थोंग्स होते हैं, उनमें पैंटी लाइन्स नहीं दिखती हैं। बॉय शॉर्ट पैंटीज एंड थोंग्स के ऊपर मेरी सेपरेट में वीडियो है, आप मेरी इनर वियर गाइड के नाम से पूरी जो प्लेलिस्ट है उसको आप जाके चेक कीजिएगा, मैंने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसमें चेक कर लीजिए, ये वीडियोस के थ्रू आप थोड़ा जानकारी ले पाएंगे, और आप फिर देखिए कि आपके हिसाब से आपको कौन सी पैंटी ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी, तो उस हिसाब से आप अपना कंफर्ट भी देख सकते हो, और ये वाली जो प्रॉब्लम है लाइंस वाली वो तो सॉल्व हो ही जाएगी। मैम मैन का साइज अगर छोटा हो तो इंटीमेट इंसर्ट करने में प्रॉब्लम होगी क्या, मैम प्लीज रिप्लाई। देखिए छोटा साइज से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, और कुछ पोजीशन हो सकती हैं जिसमें आपको हो सकता है परफॉर्म करने में थोड़ा प्रॉब्लम आए, तो उन पोजीशंस को आप स्किप कर सकते हो। मैंने कुछ वीडियो पहले एक वीडियो पोस्ट की हुई है कि जो थोड़े मोटे लोग हैं उनको कौन सी पोजीशन ट्राई करनी चाहिए, आप वो वीडियो देखिए, अगर साइज़ छोटा है तो भी वो सारी पोजीशंस आपके लिए अच्छे से वर्क करेंगी, आप वो वीडियो देख लेना, लिंक मैं उसका यहाँ पे आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वाइफ को कितने पैसे देने चाहिए सैलरी में से। ये डिपेंड करता है कि वाइफ खुद भी कमाती है या नहीं, एंड वाइफ के ऊपर आपने फाइनेंशियली किन किन चीज़ों की जिम्मेदारी डाली हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर घर को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं, जैसे राशन के पैसे हो गए, घर में जो सब्ज़ी आती है, दूध आता है, ये सब, बच्चों की फ़ीस है, घर के जो बिल्स हैं, उनमें से कितनी जिम्मेदारियां आपने वाइफ को दे रखी हैं, तो उसके हिसाब से एक बजट बना के आप दोनों मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि वाइफ को कितने रुपये की ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों को हैंडल करने में। अगर आप दोनों ही मिलकर सारी चीज़ें हैंडल करते हो तो ऐसे में तो आप दोनों ही मिलकर सारी चीज़ें कर सकते हो, और वाइफ को आप थोड़ा सा मंथली बेसिस पे खर्चा प्रोवाइड कर सकते हो कि कुछ भी इमरजेंसी है, कुछ मार्केट से लेना है, तो उस तरीके से आप उनको एक पॉकेट मनी दे सकते हो, और ये आप दोनों के बीच की बात है कि आप दोनों ने आपस में कितनी जिम्मेदारियां बांटी हुई हैं, और जो वाइफ के हिस्से में जिम्मेदारियां हैं उसमें कितना बजट लगेगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कपल के बीच में बजट को बनाना, आपके पास इन टोटल कितने पैसे आ रहे हैं, कितनी कमाई है, और उसमें से कितनी ऐसी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें कि जो खर्चा होना ही होना है हर महीने। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रेंट पे रहते हो तो वो एक फ़िक्स रेंट जाना ही जाना है, इसके अलावा बिजली का बिल हो गया, गैस का अगर बिल आता है तो वो हो गया, या सिलेंडर आता है उसके पैसे हो गए, बच्चों की फ़ीस हो गई, राशन को आप थोड़ा ट्रैक करो कि महीने में आप एक बार इकट्ठा राशन लो और देखो कि हर महीने आप कितने का ले रहे हो, तो उस हिसाब से वो सब मैनेज करो। तो थोड़ा सा आप बजट बना के अगर चलेंगे तो विद इन लाइक 3-4 मंथ में ही आप ये चीज़ पकड़ लेंगे कि घर के किन किन चीज़ों में कहाँ कहाँ पैसे लगते हैं, कितने लगते हैं, और हम इसमें से कितना सेव कर सकते हैं, और कितने ऐसे खर्चे हैं जो फालतू हैं जिन्हें हम कट कर सकते हैं। तो बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें आप वैसे ही जब बजट बनाने बैठोगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे क्या करना है। आज की वीडियो के लिए यही सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने पिक करे थे, अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अभी थोड़े कमेंट कम हो गए हैं, क्यों कम हो गए हैं भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही पूछिए, इंटरेस्टिंग से, नए नए, आपके मन की क्यूरियोसिटी हो, कोई किसी बारे में जानना चाहते हैं आप, कोई एडवाइस चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।